जय भीम, जय जोहार। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं जन की बात। आज हमारे साथ हैं किसान स्वराज संगठन के स्पोकपर्सन भगवान मीना जी, जो हमें किसान बिल के बारे में छोटी से छोटी बात बताएंगे कि क्यों किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं और क्यों सरकार को इसको पास कराने की इतनी हड़बड़ी है कि उन्होंने कोरोना काल में भी इस बिल को पास कराया, जबकि कई सारे सांसद जो हैं इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कई सारे सांसद जो हैं उन लोगों के समर्थन में संसद ही नहीं पहुंचे। तो स्वागत है भगवान मीना जी आपका द शूद्र के लिए। नमस्कार सर, हम इसको जो बिल है हम इसे शुरू से समझना चाहेंगे कि आखिर इस बिल में है क्या, क्यों किसान का इतना बड़ा तबका है जो इसके विरोध में उतर चुका है। सभी राज्यों में देखा गया है कि किसान जो है सड़कों पर आ गए हैं प्रदर्शन करने के लिए। जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो इसकी जो टाइमिंग है उसको लेकर बड़े सवाल है, क्योंकि जब ये बिल लाया गया तो उस समय देश में एक आपात स्थिति जैसी थी, जो कोरोना की महामारी चल रही थी। उस समय पूरा देश अपने दो वक्त के खाने के लिए जूझ रहा था और उस वक्त ऐसे तीन बिलों को लेकर आया गया। मतलब तीन बिल ऐसे जो अध्यादेश कह सकते हैं अपन, उसका अध्यादेश थे वो, बिल नहीं थे उस समय, बिल तो अब बने हैं वो। तो अध्यादेश जो लाए गए थे उसका मुख्य कारण था कि देश की एक जो बड़ी कंपनी है रिलायंस, वो रिटेल मार्केट में उसने एंट्री करी थी उस समय। अब जब कोई व्यक्ति रिटेल मार्केट में एंट्री करेगा तो मार्केट के जो नियम है उसके अनुसार होना चाहिए, मतलब जो उसको एक बढ़ावा दे सके, जो नियमों की जो ढीलता मतलब सरलता है उसको आगे ला सके। तो इसके कारण सरकार ने तत्काल रूप से ये तीन अध्यादेश लेकर आई है। एक अध्यादेश पर तो बहुत बड़ा सवाल उठता है कि जब देश में कोरोना महामारी चल रही थी और दो वक्त के खाने के लिए लोग जूझ रहे थे और जो फल सब्जी और भी जो चीजों के भाव डबल हो गए थे, तो इस कारण क्या हुआ कि जो सरकार ने एक जो आवश्यकता वस्तु अधिनियम में संशोधन करा है, मतलब दाल है, प्याज है और भी जो सब्जियां हैं और भी इस टाइप से खाने की चीजें हैं, उनको आप कितना भी स्टोर कर सकते हैं, आप कितना भी उसका संग्रहित कर सकते हैं, उस पर सीमा समाप्त कर दी गई। उसका मेन कारण ये था कि जो देश की जो बड़ी कंपनियां इस सेक्टर में उतर रही है, मतलब इस व्यापार क्षेत्र में जो आ रही है, तो उनको एक संग्रहित करने की उनको ज्यादा नियम के अनुसार वो संग्रह कर सकते हैं, आज कम रेट में लेकर किसान से और आने वाले समय में उसको अधिक से अधिक रेट में बेच सके। इसको देखते हुए सरकार ने ये नियम बनाया। किसान का तो केवल एक नाम रखा गया कि किसान हितैषी। किसान हितैषी कहीं से नहीं है। आपको मैं और भी आगे ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आपको निश्चित हो जाएगा कि ये बिल किसान के लिए नहीं है, कॉर्पोरेट लॉबी के लिए ये बिल बनाया गया है। सर, आप जैसे कॉर्पोरेट की बात कर रहे हैं, तो क्या सर क्या है ये जो कॉर्पोरेट को फायदा हो जाएगा इस बिल के वजह से और किसान को नुकसान हो जाएगा? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि जैसे मैं इंदौर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो इंदौर के महू का जो क्षेत्र है, अब यहाँ पे आलू बहुत अच्छी क्वालिटी के उत्पन्न होते हैं और जैसे यहाँ पे पेप्सी है और भी जो चिप्स बनाने वाली कंपनियां यहाँ से डायरेक्ट किसानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके भी आलू लेती है और डायरेक्ट मार्केट से भी आलू लेती है। और जो सरकार बोल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लेके आए हैं तो इससे किसान का भला हो जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये पहली बार नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही चल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जब हमने किसानों से बात करी कि आपने तो पेप्सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, आपको तो बहुत अच्छा भाव मिलना चाहिए, पेप्सी तो 25 ग्राम चिप्स को 10 रुपए में बेचती है, तो आपको तो और अच्छा भाव मिल रहा होगा। तो उनका कहना था नहीं सर, ऐसा नहीं है, हमने पेप्सी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करी। तो उन्होंने सपोज हमसे 5 एकड़ जमीन में उनका जो आलू लगाने का बोला, हमने वो आलू लगाया, हमने 60 से 90 दिन के बीच में आलू की फसल पैदा होती है, तो हमने उस समय पूरी फसल में सारे खाद दिए, बीज दिए, पानी दिया, पूरा हमने मेहनत करी, जिसके बाद आलू मतलब पक्के तैयार हो गया। तो पेप्सी की ओर से उसका टेस्ट करा गया और उसमें बोला गया कि इसमें आपकी आलू में शुगर की मात्रा ज्यादा है, तो हमने जो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा था कि हम बाजार के भाव में जो अभी चल रहा है उसमें हम आपसे आलू नहीं खरीद सकते। तो फिर वो बोलता कि मैं ठीक है, हम आप बाहर बेच देते हैं, आप नहीं खरीद सकते। और सर दूसरा ये कि हम आलू में तो हमने शुगर डाली नहीं है, ये तो एक प्राकृतिक रूप से शुगर कम होती है, ज्यादा होती है, और हमारे पास तो मानक कोई है नहीं जिससे हम इसको चेक कर सके, ये तो आप ही बता रहे कि इसमें शुगर की मात्रा ज्यादा है। तो ठीक है सर, आप नहीं लेते हैं तो हम इसको बाजार में बेच देते हैं। अब बाजार में बेचने का बोला तो कंपनी ने बोला नहीं आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, आप इसको बाजार में नहीं बेच सकते, हम तो जो आपका 20 रुपए किलो का जो हमने अभी जो बाजार भाव चल रहा है हम तो आपको 10 रुपए किलो देंगे, आपको हमको ही बेचना पड़ेगा। तो मजबूरी में किसान को उसको ही बेचना पड़ता है। आपने देखा होगा कि पिछले साल एक गुजरात में पेप्सी को लेकर बड़ा हंगामा हुआ था कि उन्होंने बोला था कि हमने आपको ये बीज दिए हैं आलू के और आपने इसको आपने कैसे मतलब उत्पादन कर लिया है, आप किसी और को बेचने के लिए तैयार हो रहे। तो एक इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है ये। तो इसी तरह से चला जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बहुत पहले से चल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कोई नई चीज नहीं है। जब किसान से कॉन्ट्रैक्ट करा जाता है कि कोई फसल 2 महीने में आती है, कोई 1 साल में आती है, कोई 5 साल में आती है, तो अब किसान ने तो 5 साल मेहनत कर ली। अब इस कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं है कि किसान की जो फसल का जो गुणवत्ता है वो किसी प्रकार की हो, चाहे कम गुणवत्ता हो चाहे अच्छी गुणवत्ता हो, उसको कंपनी को खरीदना कंपलसरी है। कंपनी को कोई बाध्यता नहीं कि वो उसको खरीदेगा। अगर कम गुणवत्ता हुई तो कंपनी एग्रीमेंट के अनुसार बोल दे कि हम इसको नहीं खरीद सकते, और अगर अच्छी गुणवत्ता हुई और उसको और कोई कंपनी अच्छा भाव दे रही है तो किसान उसको किसी और कंपनी को नहीं बेच सकता। क्योंकि मेरे पास ये दोनों बिलों की कॉपी मेरे पास रखी हुई है इस समय, तो इसमें एक स्पष्ट रूप से दिया गया है कि अगर आप एग्रीमेंट तोड़ते हैं तो दोनों की सहमति से तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसान से असहमत है कंपनी से तो वो तोड़ नहीं सकता, लेकिन जो नियम है हमारे यहाँ कंपनी के, देखिए उसमें आप पढ़ेंगे तो जो कंपनी के जो नियम है वो कंपनी एक्ट के तहत लागू होते हैं, जो भारत में जो कंपनी एक्ट है उसके तहत लागू होंगे। इसमें केवल एक कंपनी का नाम वो दिया गया कि कंपनी खरीद सकती, तो आप कंपनी के खिलाफ कोई केस नहीं लगा सकते। इसमें यह भी प्रावधान है अगर कोई कंपनी आपके साथ फ्रॉड करती है या कुछ ऐसा धोखाधड़ी होती है तो आप देश के किसी सिविल न्यायालय में इसमें आप उनके खिलाफ आप केस नहीं लगा सकते, केवल जो एसडीएम जो रहता है उसके पास आप इसमें अपील कर सकते हैं। तो एसडीएम भी उसकी सुनवाई नहीं करेगा, वो कोई लोगों को नियुक्त करेगा उसके हिसाब से कि आप इनका निपटारा करिए। मतलब इसमें आप कानून के हिसाब से आप कहीं लड़ नहीं सकते। इसमें ये प्रावधान है जो मैं एक बेसिक पढ़ा है, मैं कानून का जानकार नहीं हूँ लेकिन मैंने जो इसको पढ़ा है और समझा है उसके हिसाब से मैं आपको ये बात बता रहा हूँ। सर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है तो ये सीधा मतलब किसान और किसी उद्योगपति के बीच में होगी, तो जो बीच में है मान लीजिए मेरे पास अगर जमीन नहीं है तो मैं क्या करती हूँ कि जो बड़े किसान है उनके यहाँ पे खेती करती हूँ, उनके यहाँ पे मजदूरी करती हूँ, तो इससे मेरा तो रोजगार एकदम खत्म हो जाएगा। तो जो वो किसान है जो रोजगार दूसरों के खेत में खेती करते हैं तो उनका तो रोजगार पूरी तरह खत्म हो जाएगा इस तरह से। तो नहीं, उनका रोजगार तो खत्म नहीं होगा, अपन उसको नहीं कह सकते कि कोई मजदूर है, जैसे गांव में रहने वाले मजदूर मुख्यतः कृषि की मजदूरी पे आधारित होते हैं, तो ये तो नहीं कह सकता कि उनकी मजदूरी का मतलब उनका जो रोजगार है वो खत्म हो जाए। निश्चित तौर पर अगर वो किसी किसान से कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है तो वो मजदूर को अगर वो मजदूरी मिलती है, वो काम मिलता है तो वो तो उसको बराबर मिलेगा क्योंकि किसान किसी न किसी से तो कराएगा। ये तो फिर इसमें मैं इसको गलत बोलूंगा कि इस टाइप का लोग जो बोल रहे हैं वो। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में सोशल मीडिया पे और मीडिया पे एक नई तरह का वो इस विरोध करा जा रहा है इस बिल का। मतलब विरोध क्या अपन इसको कहते हैं, समर्थन और विरोध में दो नई चीजें और जो मुख्य चीज है उसको हटा दिया गया है। किसान की इसमें मांग है कि आपने जो 3 अध्यादेश लेकर आए हैं तो आप इसमें एक अध्यादेश या तो अलग से ले आइए या इसी अध्यादेश में एक लाइन और जोड़ दीजिए कि कोई भी कंपनी या कोई भी फर्म कोई भी अगर किसान से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो देश में सरकार घोषित करती है उससे कम पे कोई फसल नहीं खरीदी जाएगी, उससे अधिक पे कंपनी कितना भी खरीद ले और इसको बाध्यता रहेगी कि आपको इस पे खरीदना ही पड़ेगा। बस किसानों की ये मांग है। अब उसमें क्या कर रही है सरकार और जो कह सकते हैं असामाजिक तत्वों ने इसमें भ्रम पैदा कर दिया है। किसान को टारगेट करा जा रहा है कि किसान पहले फसल को कहीं नहीं बेच सकता था, वो अपनी पास की मंडी में बेच सकता था। देखिए किसान पहले भी देश भर में फसल बेच सकता। मैं सीहोर जिले का रहने वाला हूँ, मैं इंदौर की मंडी में अनाज मंडी में आके मेरी फसल बेच चुका हूँ, पहले कितनी बार ही बेचा है मैंने। और मैं देवास जिले की खातेगांव मंडी है, वो हमारे क्षेत्र के 50 किलोमीटर में सबसे बड़ी मंडी है, तो अधिकतम हम जो फसल है उसी मंडी में बेचते हैं, जबकि मैं सीहोर जिले का रहने वाला हूँ। तो पहले भी बाध्यता नहीं थी कि अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप देश के किसी भी राज्य में फसल नहीं बेच सकते, आप ले जाके बेच सकते थे। पर इसको एक भ्रमित तौर से प्रचार करा जा रहा है कि हम इसको नए सिरे से बेच सकते हैं आप, तो ये तो गलत बात है। इसको नया मोड़ को नए मतलब इस आंदोलन को एक अलग दिशा की ओर सरकार घुमाने की कोशिश कर रही है। तो ये सर एमएसपी क्या है, मैं जानना चाहूंगी एमएसपी क्या है, और सरकार जो किसान है इससे डर क्यों रहे कि एमएसपी लागू हो जाएगी, तो सरकार क्यों, किसान क्यों डर रहे हैं? देखिए किसान का डरने का कारण ये है कि किसान एक बहुत लंबे समय से आजादी के बाद से मांग करता रहा कि किसान को एमएसपी गारंटी कानून बना के दिया जाए ताकि जो सरकार उसको एमएसपी घोषित करती है तो उसका उसको मूल्य मिले और इससे कम पर बोली ना लगे। लेकिन अभी तक देश की किसी भी सरकार ने ये कानून बनाया नहीं है और ना बनाना चाहती। तो किसान ये चाह रहे कि भाई जब आपने एक जो उद्योग जगत के हिसाब से आपने इस बिल को मॉडिफाई करा है या आपने नया उसमें संशोधन कर रहे हैं तो आप इसमें हमारी मांग को क्यों नहीं आप ऐड कर रहे हैं। इसमें तो ये होगा कि कोई भी कंपनी आपके साथ में, जैसे कोई भी फसल है, आज मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। अप्रैल 2020 में अभी जब कोरोना काल चल रहा था तो मध्य प्रदेश के मंडी अधिनियम में एक संशोधन करा गया कि कोई भी व्यापारी मंडी के बाहर किसी भी प्रकार से किसान की फसल खरीद सकता है। उसको नाम दिया गया था सौदा पर्ची। तो उसमें क्या हुआ था कि जो मंडियां बंद थी उस समय कोरोना के समय पे, तो जब व्यापारी के पास किसान सैंपल लेके गया कि साहब मेरी ये फसल है आप इसको खरीदेंगे, उसने बोला बराबर खरीदूंगा। अब जब गेहूं का समर्थन मूल्य था 1925 रुपए, तो वो खरीद रहा था उसको 1650 रुपए में। अब उसमें किसान को 200, 250, 300 रुपए का घाटा हो रहा था, मतलब 300 रुपए के आसपास का उसको हर उस पे गेहूं पे घाटा हो रहा था। अगर उसको चने की बात करें तो वो जब मंडियों के बाहर व्यापारी के पास ले जाता था तो चने का भाव था 48 रुपए के आसपास का। अब उसको जब व्यापारी खरीदता था तो 3800 रुपए में खरीदता था, मतलब प्रति क्विंटल 1000 रुपए का उसको किसान को नुकसान हो रहा था। तो ये जो सौदा पर्ची है यही एक नया ये अमेंडमेंट करा है सरकार ने, इसको केंद्र सरकार ने लागू कर दिया, उसको पहले मध्य प्रदेश सरकार ने लागू कर। तो अगर आप मध्य प्रदेश में किसी भी किसान से पूछेंगे कि आप क्या सौदा पर्ची से संतुष्ट थे, तो आपको 100% किसान ये बोलेगा कि मैं सौदा पर्ची से संतुष्ट नहीं था। अब उसमें दूसरी सबसे बड़ी तकलीफ जो किसानों को दिल में डर कर रही है कि मंडी में अगर कोई व्यापारी किसान से फसल खरीदता था तो वैसे तो पहले प्रावधान ये था कि उसको नगद भुगतान होता था, लेकिन 4-5 साल पहले जब ये पूरा केस फ्लो को बंद कर दिया गया तो नया नियम आ गया कि आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन करा जाएगा, 50,000 तक नगद भुगतान किया जाएगा। तो उसमें ये चीजें देखी गई है कि 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन में किसान को भुगतान हो रहा है, उसको 20-25,000 रुपये तत्काल दे दिए जाते हैं, बाकी 7-8 दिन में दिया जाता। अब अगर कोई व्यापारी मंडी में रजिस्टर्ड है तो उससे फायदा ये होता है कि उसकी सारी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और वो किसान मतलब व्यापारी काफी समय से वहाँ व्यापार करता है और सारी जवाबदारी मंडी प्रशासन की रहती है कि किसान को पैसा दिलाए। अगर वो बाहर व्यापारी के साथ फसल बेचेगा तो उसमें दिक्कत जाएगी कि उसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा कि उसको पैसा दिला सके। अब इस संशोधन में ये कहा गया है कि आपको 3 दिन के भीतर या तो रसीद दी जाएगी या पैसा दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपका ट्रांजेक्शन किया जाएगा। तो जहां तक मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी उसको 3 दिन के अंदर या तत्काल में उसको रिसिप्ट देके पेमेंट कब करेगी ये अपन कह नहीं सकते, जबकि इसमें यह होना चाहिए था कि तत्काल उसको भुगतान करा जाए। क्योंकि जब देश में इंटरनेट बैंकिंग का काम हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है, तो उसको जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन 1 मिनट के अंदर हो जाता है तो उसमें 3 दिन की बाध्यता क्यों रखी गई है। अब इसका एक और जो नुकसान है वो मैं आपको बता देता हूँ। इंदौर में पिछले साल एक व्यापारी ने किसानों से घर घर जाके जो समर्थन मूल्य उसे 100 रुपए एक्स्ट्रा में प्रति क्विंटल से गेहूं खरीदा। अब उसने किसान से बोला कि ठीक है मैं आपको 8 दिन के अंदर पेमेंट कर दूंगा। किसान ने कहा ठीक है भैया कर देगा पेमेंट। अब 8 दिन हो गए, जब किसान के पास बार बार के बोले 2-4 दिन और मैं कर दूंगा, अरे मैं कर दूंगा, मतलब उसको एक डराने जैसा माहौल रहा। फिर किसान और गया तो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। मैं आपको बता देता हूँ 200 किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक उनका पेमेंट गेहूं का नहीं मिला और व्यापारी भाग गया। उसके यहाँ पे जो प्रॉपर्टी थी वो सारी बैंकों के पास थी और उसमें ये था जब मंडी में किसान गए बात करने या कलेक्टर के पास गए तो उनका कहना था कि आपने मंडी के अंदर इसमें सौदा नहीं करा या मंडी में आपने फसल नहीं बेची, इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो किसान को पैसा दे व्यापारी। अब बताइए वो किसान क्या करे जिन्होंने साल भर मेहनत करके और पूरा एक साल चना लेने के लिए अपने यहाँ फसल पैदा करी। उसमें आप यकीन नहीं मानेंगे, जब वो किसान मेरे से मिले तो कैसे रो रहे थे कि भाई साहब हम क्या करें, आप बताइए, हम तो आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा है। और उसके बाद ये भी हुआ कि एसपी से लेके बड़े अधिकारी तक, आईजी तक हम मिले, किसान मिले तो उसमें जो प्रशासन है वो एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं था। जब किसानों ने बोला कि हम ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करेंगे और अलग अलग किसान 200 एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके बाद वहां पर एफआईआर दर्ज करी गई है। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस का शासन था, सचिन यादव से मिले और भी नेताओं से मिले, क्षेत्रीय विधायकों से मिले, लेकिन किसी ने भी किसानों की मदद नहीं करी। ये देपालपुर क्षेत्र का मामला है जहां इस समय एक चुनाव होने वाला है, लेकिन आप ये मान सकते हैं इस मुद्दे को कोई नहीं उठा रहा। उन 200 किसानों का क्या हुआ ये कोई नहीं देखना चाहता, उनका वो कैसे जीवन यापन कर रहे हैं वो कोई नहीं देखना चाहते। तो इसका एक नुकसान ये होने वाला है, क्योंकि उसमें आप केवल पैन कार्ड पे ही आप व्यापार कर सकते हैं। मैंने पैन कार्ड बनवा लिया, मैंने 8 दिन 15 दिन व्यापार करा, मैंने 50 करोड़ का माल खरीद लिया किसानों से, उसके बाद मैं रातों रात गायब हो गया। अब उसकी जिम्मेदारी किसकी? सर ये भी तो प्रावधान होना चाहिए। सर यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है, उनके साथ व्यापारी कोई धोखाधड़ी करता है तो वो पुलिस के पास नहीं जा सकते एफआईआर कराने, उनके ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। और दूसरा मैं यहाँ पे मतलब जैसे किसान जो है उनको इतना नुकसान होता है, कई बार फसल से, कई बार सरकार से क्रेडिट गिर जाता है कि आत्महत्याओं के केस बहुत बढ़ जाते हैं। तो क्या इस टाइम पे ये जो एमएसपी जो लागू कर रही है सरकार, उससे भी किसानों की आत्महत्याओं के केस बढ़ने के चांसेस है? सर इन दो बातों पे मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए सरकार ने जो एमएसपी तो वो तो नॉर्मल हर साल के जो प्रक्रिया उस हिसाब से बढ़ाया इसको, और अभी भी सबसे कम एमएसपी बढ़ा है पिछले साल की तुलना में। देखिए तो सबसे कम एमएसपी हर फसल पे बढ़ाया है, जो रबी की फसल के लिए एमएसपी बढ़ाया है। और गेहूं का देखा जाए तो पिछले 10 साल में सबसे कम एमएसपी बढ़ा है। लेकिन आप जान सकते हैं कि पिछले 10 साल में सबसे महंगा डीजल इस समय चल रहा है, पिछले 10 साल का सबसे महंगा जो खाद है, मजदूरी है और भी जो चीजें वो इस समय चल रही है। तो किसान का अगर एमएसपी की बात सरकार करती है तो क्यों नहीं बढ़ाया जाता? एक बात और मैं आपको बताता हूँ जो मीडिया ने मिस कर दिया है उसको। अभी कुछ समय पहले केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बयान दिया था कि एमएसपी एक योजना है, ये कोई कानून नहीं है, तो हम इसको देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। समझ रहे हैं आप, वो पल्ला झाड़ रहे हैं कि केवल योजना है। तो योजना है तो आप उसको इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं कराते, उसको लागू क्यों नहीं करा पा रहे? और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ जो देश के मीडिया मिस कर रहा है इस समय, कि 2018-20 या 20 फरवरी या 18 फरवरी को मध्य प्रदेश के जो हाई कोर्ट है, जबलपुर हाई कोर्ट, उसने एक आदेश दिया था सरकार को, क्योंकि मध्य प्रदेश के मंडी अधिनियम में एक क्लॉज है कि कोई भी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर नहीं बिकेगी मंडियों के अंतर्गत। और उसको मध्य प्रदेश सरकार को बोला गया था कि इसको लागू कराया जाए 90 दिन के अंदर। चीफ सेक्रेटरी और बाकी जो डिपार्टमेंट्स है उनको उसको कोर्ट ने आदेश करा था, उसकी कॉपी भी मेरे पास है। लेकिन इस बीच बीजेपी की सरकार भी रही, कांग्रेस की सरकार भी रही। कांग्रेस की सरकार के ने मैनिफेस्टो में दिया था कि हम मंडी अधिनियम एक्ट को लागू करेंगे, मतलब जो एमएसपी की गारंटी है उसको लागू करेंगे। लेकिन 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, वो भी इसको लागू नहीं कर पाए। तो कांग्रेस और बीजेपी ये पिछले 70 सालों से खेल खेल रहे हैं किसान के साथ कि जो एमएसपी है उसको कानूनी रूप नहीं दिया जा रहा है। तो आप किसान की मांग तो यही है ना कि अगर वो कानून नहीं है तो उसको कानून बनाया जाए। जब आप अचानक से बैठ के आप 3 अध्यादेश एक झटके में लागू कर सकते हैं तो क्या आप बिल पास नहीं करा सकते? हम देखते हैं कौन संसद में उसको बिल का सपोर्ट नहीं करेगा, हम निपटेंगे किसान उससे। वोट लेने तो हमारे पास ही आएगी ना वो पार्टी, आप लेके तो आइए। जब आप लेके ही नहीं आना चाहते, आप करना ही नहीं चाहते हैं, और ऊपर से किसान को अगर वो आंदोलन करता है तो उसके ऊपर गलत गलत आरोप लगाए जा रहे हैं, गलत प्रकार से उनके ऊपर सोशल मीडिया पे और माध्यमों पे खबरें चलाई जा रही है, तो ये गलत है। अगर किसान को इस बात को रखना चाहते तो सरकार सुनना क्यों नहीं चाह रही है? सर यहाँ पे मैं जानना चाहूंगी, जैसे अभी संसद में देखा गया कई सारे सांसद जो इसका विरोध कर रहे थे इस किसान बिल का, और वो बाहर वो धरना भी बैठे हैं, रात रात बैठे हुए हैं। और कई सारे जो सांसद हैं बीजेपी के अलावा और बीजेपी के समर्थक जो पार्टी है उनके अलावा संसद नहीं पहुंचे, क्योंकि उनका मानना है कि ये जो किसान बिल है उनके लिए सही, किसानों के लिए सही नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या ये उनकी एक चाल है कि वो संसद में रह के इस बिल के लिए वोट ना करते, तो ये उनके पास एक ऑप्शन था, लेकिन वो वहां पहुंचे ही नहीं, मौजूद ही नहीं रहे। तो ये क्या है, मतलब किसकी तरफ उनका समर्थन माना जाए कि क्या ये इस बिल के समर्थन में थे कि विरोध में थे? एक तरह से वहां ना होके भी एक तरह से उनका समर्थन मिल गया। देखिए, मैंने ये ट्विटर पे लिखा था पहले भी, अभी 2 दिन पहले भी लिखा था जब राज्यसभा में बिल पेश होने वाला था, क्योंकि ये जो विपक्ष है ये इसको यही काम करता है। विपक्ष क्या करता है कि जब कोई बिल पास कराना होता है, और क्योंकि जो नियम है हमारा, जो संविधान है, उसमें जो मौजूद संसदों के अनुसार ही उस पे वोटिंग का फैसला होता है या जो भी फैसला होता है। तो जब आप अगर उपस्थित नहीं रहोगे तो इसका मतलब हुआ कि आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, आप उसके विरोध में नहीं हो। अभी बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो किसान के ऊपर ही राजनीति करती है। वो बोलती है किसान के अलावा हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है जिसपे हम लोग राजनीति क्षेत्र में है या हम राजनीतिक करियर हम लोग बना रहे हैं। तो वो पार्टियां कुछ नहीं बोल रही है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट देखेंगे तो नील पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब वो साफ उनको समर्थन कर रही है। और किसान कोई मूर्ख आदमी नहीं है, किसान समझता है, 2 वक्त की रोटी वो भी खाता है जैसे नेता खाते हैं। तो वो समझ रहा है कि कौन हमारे पक्ष में है और कौन विपक्ष में है। और रही बात ये कि जैसे कांग्रेस सरकार इस समय जब किसानों ने आंदोलन शुरू करा, क्योंकि ये आंदोलन विरोध तो हम शुरू से कर रहे हैं इस चीज का, लेकिन कोरोना काल के कारण हम इस चीज को आगे नहीं ले जाना चाह रहे थे अभी। लेकिन जैसे ही किसानों ने विरोध करा और सरकार ने हरियाणा में लाठीचार्ज करा और किसानों के ऊपर बहुत ऐसी धाराएं लगा दी जिसमें गैर जमानती धारा भी थी, तो उस समय से इसका देश भर में विरोध हुआ। तो कांग्रेस इसमें कूद गई, जबकि कांग्रेस को नहीं पता था कि 5 जून से जो अध्यादेश लागू हुआ, तो जब से क्यों विरोध नहीं करा उन्होंने, क्यों सड़कों पर नहीं उतरे। जब किसान आंदोलन करते हैं तो विपक्ष की पार्टियां मैदान में कूद जाती है। तो ये तो एक मुद्दा है। और अगर कांग्रेस इतनी हितैषी है तो अभी उनकी राजस्थान में सरकार है उनकी अभी, और पंजाब में सरकार है, छत्तीसगढ़ में सरकार है, और भी उनके समर्थन से और राज्यों में सरकारें चल रही है। तो वहाँ के मंडी अधिनियम एक्ट में संशोधन करके एमएसपी की से कम पे बोली ना लगे इस आदेश क्यों जारी नहीं करती है? क्योंकि मंडी तो राज्य का विषय है, तो मंडी में कर सकती है कि प्रदेश सरकार है, तो वो क्यों लागू नहीं करा रहे? तो ये भी तो एक सबसे बड़ी चीज है। आप जब किसान आंदोलन करते हैं तो उनके सहारे आप राजनीति करने लग जाते हो, और इतने दिन से आप सो रहे थे। सर, एक यहाँ पे है जैसे कई बार क्या होता है, प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलें बर्बाद हो जाती हैं, तो सरकार उसके लिए फसल बीमा योजना भी चलाती है और भी कई तरह की योजना चलाती है ताकि किसानों को दिखाया जा सके कि हम उनके साथ हैं और उनको फायदा होगा। तो क्या इस नए किसान कानून के बाद भी किसानों को इंश्योरेंस मिलेगा, या फिर फसल बर्बाद होने पर कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी कुछ मुआवजा ही दे देंगी? नहीं, कोई इसमें कोई प्रावधान नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी किसान को मुआवजा देगी। इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कहीं इसका वो नहीं है कि वो मुआवजा देगी। उसमें ये लिखा हुआ गया है कि अगर प्राकृतिक आपदा और किसी कारण से फसल का नुकसान होता है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी और कॉन्ट्रैक्ट जिम्मेदार नहीं होगा। आप चाहे तो पढ़ सकते हैं इसमें। किसान मार्केट अगर खत्म हो जाएगी तो एमएसपी कैसे मिलेगा? देखिए, जहां तक मैंने इस नियम को पढ़ा है, समझा है, इसमें मंडियां तो खत्म होने वाली नहीं है, पर एक मंडियां खत्म करने की एक साजिश है। मतलब इनडायरेक्टली इस कानून में कहीं नहीं लिखा है कि इसके बाद मंडियां बंद हो जाएगी। ये मैं एग्री करता हूँ इस चीज के लिए। अगर कोई उसको गलत तरीके से पेश कर रहा है कि मंडी बंद हो जाएगी, तो मैं बोलता हूँ कि मंडियां, इस कानून में कहीं नहीं लिखा है कि मंडियां बंद हो जाएगी, पर आप इसको धीरे धीरे एक तरह से क्या खत्म करेंगे, या जब देश में जब बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में काम करेगी और वो बोले कि नहीं हमको तो इसी रेट में चाहिए, तो जब बड़ी कंपनियां मार्केट में उतरेगी तो उसी रेट में जब खरीदा जाएगा और व्यापारी बाहर से खरीदेगा, या उसको मंडी टैक्स नहीं देना, उसको और कानूनी बाध्यता के अनुसार नहीं करना, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं किसान को धीरे धीरे नुकसान होगा। और इसमें बाहर भी अगर किसान से खरीदा जाता तो एमएसपी की कोई गारंटी नहीं है। जैसे मैंने मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया था, सौदा पर्ची का, जो तो उसमें किसान को घाटा ही हुआ, उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। सर, एक चीज जानना चाहूंगी, जैसे व्यापारी ने किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो क्या व्यापारी किसी और किसान से भी खरीद सकता है? क्योंकि किसान तो उसके अलावा कहीं और नहीं बेच सकता, तो क्या वो कंपनी या क्या कोई व्यापारी उसके अलावा किसी और से भी खरीद सकता है फसल, अगर उसे उसकी पसंद नहीं आई तो? जी वो तो स्वतंत्र है, कंपनी तो स्वतंत्र है कि वो कहीं से भी खरीद सकता है, कंपनी या व्यापारी है कोई भी, वो कहीं से खरीद सकता है। पर किसान स्वतंत्र नहीं है ना, किसान तो उसी को बेचेगा ना जिससे उसने एग्रीमेंट करा है, क्योंकि अगर वो किसी और को बेचने जाता है तो कंपनी बोलेगी आपने मेरे से एग्रीमेंट करा, देखिए आप तो किसी और से नहीं खरीद सकते, किसी और को नहीं बेच सकते। अब व्यापारी क्या बोलेगा, व्यापारी से बोला जाएगा आपकी क्वालिटी, व्यापारी बोलेगा किसान से कि आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जो हम लोग नहीं खरीद रहे हैं, हम इस एग्रीमेंट को कैंसिल कर रहे हैं। अब ठीक है, तो वो इस तरीके से किसान को छला जाएगा। तो हम ये चाह रहे थे, देखिए इतना जो देश भर में बवाल हो रहा है इसको लेकर मैं आपको बता दूं, इसमें केवल कुछ जो नियम है इसमें अगर संशोधन कर देते हैं तो ये बिल किसान एक्सेप्ट कर लेंगे। पहला तो ये कि इसमें एमएसपी की लाइन जोड़ी जाएगी, कोई भी कंपनी एग्रीमेंट करती है तो एमएसपी से कम पर किसी भी किसान से एग्रीमेंट नहीं होगा, एमएसपी से ऊपर वाली वो 200 गुना उससे एग्रीमेंट कर सकता है। जैसे एमआरपी सिस्टम होता है कि एमआरपी से ज्यादा आप किसी चीज को नहीं बेच सकते, आप उसमें कम पे कितना भी दुकानदार उसको बेच सकता है। तो ऐसे किसान के साथ होना चाहिए कि एमएसपी से कम पर कोई भी कंपनी एग्रीमेंट नहीं करेगी या कोई भी व्यापारी नहीं खरीदेगा, बिना एग्रीमेंट करे भी नहीं खरीदेगा। देखिए इसमें ये जरूरी नहीं कि किसान एग्रीमेंट ही करे, बिना एग्रीमेंट करे भी कंपनियां मार्केट से खरीदेगी, लेकिन वो एमएसपी से कम पे ना खरीदे, ज्यादा खरीदे, तभी तो किसान को फायदा होगा। और अगर सरकार ये बोल रही है कि हमने किसान के फायदे के लिए बिल बनाया है, तो मुझे नहीं लगता है कि अगर एक लाइन जोड़ दे कि कोई भी फसल को एमएसपी से कम पर नहीं खरीदा जाएगा तो इससे किसान का नुकसान हो जाएगा, फायदा ही होगा। और किसान क्या मांग कर रहे हैं इसके अलावा, तो यानी वो तय एमएसपी नहीं है, मतलब अगर हाँ उसका कुछ तय नहीं है। एक चीज यहाँ पे जैसे कि अगर कोई किसान कंपनी को फसल अपनी बेचना नहीं चाहता है तो क्या कंपनी एग्रीमेंट का हवाला देकर उस किसान पर केस कर सकती है? जी बिल्कुल, वो बाध्य कर सकती है किसान को, किसान के ऊपर जहाँ मतलब वो जहाँ कंप्लेंट करना है वो कर सकती है, कंपनी एक्ट के तहत उसको किसान को कोर्ट में ले जा सकती है कि भाई आपने फसल आप किसी और को नहीं बेच सकते। बाकी हाँ इसमें एक प्रावधान ये है कि इसमें किसान की जो जमीन है उसका एग्रीमेंट नहीं होगा, कि अगर कोई ऐसा लॉस हो जाता है कि किसान की फसल पैदा नहीं हुई है या किसी और कारण से कुछ लॉस होता है तो उसकी जमीन पे कंपनी का अधिकार नहीं होगा या जमीन की कोई एग्रीमेंट नहीं, जमीन उसमें कोई एग्रीमेंट में शामिल नहीं होगी, केवल फसल शामिल होगी एग्रीमेंट। यानी जिस कंपनी और जिस किसान ने एग्रीमेंट किया है, अगर किसान की अच्छी होती है तो कंपनी उसको खरीदना चाहती है, लेकिन अगर खराब तो ये कंपनी के हाथ में, वो खरीदे या ना खरीदे। हाँ, क्योंकि किसान नहीं, उसमें किसान और अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें बोला गया है कि जब तक आप दोनों सहमत नहीं होंगे जब तक आप एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकते। तो उसमें ये बात है कि अगर किसान बीच में एग्रीमेंट छोड़ना चाहे तो कंपनी सहमत नहीं होगी तो वो छोड़ नहीं सकता, लेकिन जो कंपनी है वो फसल ना खरीदे, ये कंपनी उसके लिए स्वतंत्र है, क्योंकि वो बोल देगी, वो एक कानून का हवाला देगी उसमें कि इसमें आपकी क्वालिटी सही नहीं है इसलिए हम इसको नहीं खरीद सकते, क्योंकि हमने एग्रीमेंट में आपसे इस क्वालिटी का खरीदने का बोला था। हम सर मैं एकदम क्विकली जानना चाहूंगी, अगर किसी को नहीं पता है और कोई नहीं जानता है इस बिल के बारे में, कुछ शब्दों में कि किसान क्या चाहते हैं इस बिल के लिए और सरकार क्या कर रही है, और कुछ दो चार लाइनों में इसको आप क्विकली अगर बता दें आसान शब्दों में। देखिए किसान, पूरा देश का किसान एक ही बात चाहता है कि इस एग्रीमेंट जो तीनों कानून है उसमें मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। एक तो एमएसपी गारंटी कानून चाहता है, उसके बाद में जो एग्रीमेंट में जो बाध्यता है जो इस प्रकार के जो समझौते हैं उसमें इसमें ढील दी जाए किसान को, और किसान भी उसके लिए बाध्य हो, मतलब किसान को भी ऐसा मौका दिया जाए कि वो कभी भी बीच में एग्रीमेंट से बाहर हो सकता है। कोई कंपनी एग्रीमेंट करती है तो उसकी फसल कैसी भी क्वालिटी की उत्पन्न हो उसको कंपनी खरीदने के लिए बाध्य हो। अब तीसरा एक मैं आपको बता देता हूँ जिसके लिए कोई बहस नहीं हो रही इस देश में, वो है आवश्यकता वस्तु अधिनियम। आवश्यकता वस्तु अधिनियम का नुकसान ये होगा किसान को कम, इसमें देश को ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब कॉर्पोरेट कंपनियां बड़े बड़े उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है तो पैसा तो बहुत है। अब सपोज कोई कंपनी ने पूरे देश भर से दाल खरीद ली और उसने स्टॉक कर ली, किसान से 50 रुपये जो भी भाव में खरीदी उसने तोर की दाल खरीद ली, और उसको बोलना है, उसका बोलना है कि मैं तो 1000 रुपये किलो में बेचूंगी, आपको खरीदना है तो आप खरीदिए। फिर क्या करेगा देश, फिर देश की जनता क्या करेगी? तो हम ये चाह रहे हैं कि इन सारी चीजों से बचे, देश भी बचे और किसान को इसका फायदा है, क्योंकि कंपनियों के पास तो एमआरपी तय करने का अधिकार है, लेकिन जो किसान है उसके पास एमएसपी पे फसल बेचने का कोई अधिकार नहीं है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि किसान को इस नियम में संशोधन करके और एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। यही पूरे देश भर के किसानों की मांग है और हम लोग की भी, किसान स्वराज संगठन की भी यही मांग है। शुक्रिया सर। उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को जो है इस बिल के बारे में अच्छी जानकारी मिली होगी और पूरी तरह से उसको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप भगवान मीना से ट्विटर पर जुड़ सकते हैं और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा द शूद्र की यूट्यूब चैनल पे आप अपने कमेंट बॉक्स में हमसे सवाल पूछ सकते हैं। जय भीम, जय जौहर। शुक्रिया, धन्यवाद। साथियों, आंबेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 22233094689357, IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है। ओ नहीं, बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224 पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।